ये मनाहिल जो है हमारी मेहंदी लगाकर आ गई है और मनाहिल ने पीछे हो थोड़ी है तुम्हें अगले साल तुम भी यही काम करना अब्दुल रहमान सही है। हेलो फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम खुश आमदीद वेलकम बैक टू माय चैनल एंड खुश आमदीद टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे ठीक ठाक होंगे। ईद मुबारक आप सबको, ईद की बहुत बहुत ईद मुबारक और बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी दुआएं आप लोग सब के लिए। अल्लाह ताला सबको अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे और बहुत सारी खुशियाँ दें। जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियों को अल्लाह ताला दूर करे। सो लेट्स स्टार्ट। गाय जो है वो आ चुकी थी घर में और तीन चार दिन चांद रात से कुछ वन वीक पहले जो है वो गाय वगैरह आ गई थी, बकरे आ गए थे, तो बच्चे जो हैं बस इसी तरह अंदर बाहर हो रहे थे और मैं जो है वो ईद की तैयारी कर रही थी। सो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो हम पीस रहे थे साथ में धनिया ज़ीरा रोस्टेड, जो धनिया ज़ीरा जो है मैंने साथ में एक साथ रोस्ट कर लिया था चूल्हे पे और अब मैं उसको ग्राइंड कर रही हूँ। और साथ में मेरे पास था जायफल, जावत्री और बादियान का पाउडर बनाती हूँ मैं पीस कर। ये देखें जो मैं बिरयानी में, पुलाव में और मतलब मैं राइस में अपने ऐड करती हूँ हल्का सा, तो बड़ी कोई मज़ेदार सी खुशबू आती है और बहुत एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है और पूरे घर में खुशबू खुशबू होती है। सो ये देखिए ये पाउडर मैंने बना लिया है, लेकिन ये बिल्कुल मिकदार में चुटकी बराबर डालते हैं, इसको बहुत ज़्यादा नहीं डालते। ये मैंने कर लिया था, ब्लैक पेपर मैंने पीस ली थी, साबुत काली मिर्च जो है मैं घर में मंगवा के उसको जो है हम पीस लेते हैं घर में, बाहर से हम पीसी भी काली मिर्च नहीं मंगवाते। सो काली मिर्च पीस ली थी मैंने, वो अपना धनिया ज़ीरा रोस्टेड जो था वो पीस लिया था और साथ में क्या कहते हैं कच्चा पपीता भी जो है हमने अच्छे से जो है इसको चॉपर में चॉप करके रख दिया था डब्बे में भर के। इसके बाद जो है ना ये पानी पानी होता है और छिलके समेत मैंने जो है इसको चॉपर में चॉपराइज कर लिया था। और अब ये मुस्तफ़ा आ गए थे मुझे बीच में तंग करने, जो मेरे रूम में पूरा बिगाड़ा करके आए थे, पूरी फीडर जो है वो दूध से भर ली थी और पूरा कमरा भी गंदा किया था। तो साथ में ये काम भी थे, फिर साथ में ये मुस्तफ़ा भी तंग कर रहा था, तो साथ में जो है तो फिर हमने फ्रिज भी पूरा एकदम अपना नीट एंड क्लीन कर लिया था, दोनों डीप फ्रीज़र भी और फ्रिज भी जो है हमने एकदम से साफ कर लिए थे, क्लीन कर लिए थे ताकि ईद पे हमें कुछ करना ना पड़े। और बच्चों की मेहंदी भी लग चुकी थी माशाल्लाह से, देख सकते हैं हम ब्यूटीफुल मेहंदी जो है मनाही लगा के आ चुकी थी चांद रात वाले दिन। हाथ खोलो पहले दिखाओ दोनों, हाँ मैं यूं नहीं करें, तुम सही से दिखाओ, पीछे जाओ दोनों हाथ पीछे करके दिखाओ। अच्छी लग रही है मनाइल आपकी मेहंदी, वाओ प्यारी लग रही है। मुस्तफा क्या चला रहे हो, क्या चला रहे हो? चलाओ चलाओ, बस ईद का जो है वो फर्स्ट डे था और कुर्बानी का दिन जो है वो करीब था, तो कुर्बानी होती थी और सैड भी बड़े होते कि गाय जो है वो
कुर्बानी के लिए कुर्बान हो जाती है अल्लाह की राह में, और बच्चे बड़े सैड हो जाते हैं, हम भी थोड़े से सैड होते हैं क्योंकि एकदम देखा नहीं जाता है। तो बस कुर्बानी हुई और साथ साथ मेरी मनाहिल बहुत रोई थी गाय देख के, क्योंकि बच्चों को एक थोड़ा लगाव हो जाता है गाँव से, और मतलब गाँव सॉरी गाय से साथ साथ रहते हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं। तो मनाही जो है बहुत रो रही थी और गाय को देख के कि उसको गिरा दिया और अब जो है उसकी कुर्बानी करेंगे। सो बस इसी तरह से जो है ये देखे मनाही जो है वो बहुत रो रही थी। इतने दिन है ना गाय के साथ, रोना आ रहा है, ये गाय के लिए रो रही है। यासमन आपकी कल होगी, गाय ले आओ यार। ये किसकी गाय है जो करती नहीं है? पूरी मलाई जम गई है। जी कुर्बानी हो गई है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बन रही है कलेजी। अब्दुल रहमान भी कसाई बना हुआ है। शौक चढ़ रहा है तुम्हें, अगले साल तुम भी यही काम करना अब्दुल रहमान। सही है, सो ये देखिए गली जी आ चुकी है हमारे अंदर गाय की। अभी अच्छे से मैं पानी से वॉश कर लूँ, उसके बाद इसमें सिरका डालूँगी, थोड़ा सा 10 मिनट्स इसको रखूँगी, उसके बाद हम इसको पकाएंगे। तो ये देखिए ज़बरदस्ती जो है मैंने कलेजी फ्राई कर ली थी और कलेजी जो है वो बना ली थी, साथ में जो है वो चाय भी बन रही थी। कसाई जो है वो गोश्त वगैरह बना रहे थे उन लोगों के लिए, सो कलेजी भी बना ली थी उन लोगों को, थोड़ी सी कलेजी भी दी थी, चाय भी दी थी, साथ साथ में काम भी हो रहा था। बस ये इतना सा ही रखा है और हमारा फ्रिज पूरा खाली है, और ये नीचे भी जो गोश्त है वो देने का है। ये देखें ये सर्व सर्व पूरा जहाँ वो किचन में बर्तन दो फलालों में आ रही पानी लेके। हाँ, और अभी पूरा घर जो है वो वॉश होगा, ये गर्म पानी कर रहे हैं, और अभी जो ये हालत है वो रही है किचन की, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बाहर भी पूरा अंदर बाहर ऐसी हो रहा है। तो चले जी हमारा काम हो चुका है, और ये देखिए हमारा किचन एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है, और साथ में मैंने थोड़ा सा गोश्त बॉईल करने के लिए रख दिया, लाइट्स ऑफ कर दी हैं, और अब हम जा रहे हैं ऊपर। और ये सब भी जो है हमने अच्छे से वॉश कर लिया था, अब लास्ट में जो है वो काम हो रहा है, ये कमरा भी धो लिया। ये हमारी महवेश है, हेलो महवेश। होने वाला है पे आना है तुमको, अब हम जा रहे हैं ऊपर, अल्लाह हाफिज। मेहंदी नहीं लगाई सिर्फ हमने, आ जाएंगे हम रात में मेहंदी लगाने में। यार यहाँ गीला हो रहा है बहुत, और मेरा मुस्तफ़ा भी रेडी है, और मुस्तफ़ा बोल रहा है मम्मा ऊपर चलो। इधर भी सब एकदम नीट एंड क्लीन हो गया। अलवीना आ जाओ सोने, अलवीना अलवीना आ जाओ। तो चलो मुस्तफ़ा लेट्स गो,
क्या कर रहे हो? ऊपर ले जा रहे हो? तब शाम हो गई है, शाम नहीं हो गई है, रात हो गई है, 8 बज गए और हम नीचे आ गए और अब हम रात का डिनर बना रहे हैं। और ये देवरानी जो है सारा गोश्त और पतीले और सब धो रही है। सबसे मुश्किल काम। ये देखिए, सो जाओ सफा। पीटर दो। आने से मारना पड़ेगा। चूलो खोलो। सफा। सच्ची? सच्चा? कौन सा सफा? पीटर लेकर आओ पीटर। देखो सफा, हमारी काव कहाँ गई? काव? कट गई? खून? अल्लाह पास गई? खून? अल्लाह पास गई? सफा मरो खून। और सारे आधे मसाले रख दिए थे और उसके बाद ही दोबारा मसाले। तो बस जी, रात में जो है वो शाम में फर्स्ट डे था, कुर्बानी वगैरह करके थोड़ी देर रेस्ट करके, रेस्ट क्या, रेस्ट तो बिल्कुल नहीं मिला, बच्चों ने रेस्ट लेने ही नहीं दिया। और आधा घंटा जो है बस रूम में थोड़ा शावर वगैरह लेके थोड़ा सा रूम में रेस्ट करके उसके बाद हम नीचे आ गए थे, खाना वगैरह बनाया और बच्चे जो है बस टीवी वगैरह देखने में लगे थे। और क्या देख रही है ये देख रही है, ये क्या देख रही हो इसे? अली मेरा वो गुडू डूबी खाली बॉटल है। और ये चंपा लेटी हुई है, हमारी चंपा है। और हमारा खाना जो है वो कहाँ तक पहुँचा है मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है हमारा बिरयानी का पानी हो रहा है, ये देखें। और साथ में मैंने ये बना ली है बीफ बोटी, इसके अंदर अभी मैं दूंगी कोयले का धुआं। और ये हमारा वाइट बिरयानी का मसाला है। और ये हमारा कबाब। तो बस तैयारी पूरी है, अभी हम कबाब भी बनाते हैं, सलाद भी रेडी है, रायता भी रेडी है, उसके बाद अब हम कबाब बनाते हैं, कबाब की तैयारी करते हैं। ये हमारे कबाबों पे दम जा रहा है, इधर भी दम जा रहा है। टूटू अल्लाह, ये देखिए मैंने कबाबों पे धुआं दिया है, उसके बाद अब मैं इसको फ्राई करूँगी। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी जो है मैंने बीफ ड्राई, चिली ड्राई बनाया था, ऊपर मैंने प्याज जो है वो स्प्रिंग अनियन जो है मैंने इस तरह से स्प्रिंग कर दी थी, हरा धनिया मैंने डाल दिया था, थोड़ी सी अदरक चॉप करके डाल दी थी, तो बहुत ही जो है वो बोनलेस बूटी बनी थी। साथ में मैंने बनाई थी वाइट बिरयानी, ये भी बीफ की बनाई थी, और बनाए थे गोला कबाब जिसको मैंने कोयले में धुआं दे दिया था। मेरी इसकी रेसिपी भी मौजूद है मेरे फेसबुक के पेज पे, तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो आप लोग ज़रूर जाइए मेरे फेसबुक के पेज को भी फॉलो कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम के भी पेज को जो है वो फॉलो कीजिए। तो बस इसी तरह से जो है हमने रात का डिनर वगैरह किया, सब कुछ अच्छे से, सब आए हुए थे और सब ने जो है खूब इंजॉय किया। तो साथ में ये देखिए कितने ज़बरदस्त से जो है हमारे गोला कबाब भी रेडी थे, देखिए कितने ज़बरदस्त टेम्पिंग लग रहे। इसको मैंने क्रीमे में अच्छे से खूब सारा मसाला लगा के और फ्राई कर ली थी, डीप फ्राई। अच्छा कच्चे कबाब में हमने इसके ऊपर कोयले का धुआं दे दिया था, फिर हमने इसको डीप फ्राई कर लिया था। तो ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी थी और अब हम रूम में आ चुके थे।
तो बस काम वाम करके जो है हमें नीचे खाना वगैरह खा के फर्स्ट डे हमारे इसी तरह गुजर गया। उसके बाद रूम में आकर हमने बच्चों के साथ इसी तरह बस थोड़ी सी मस्तियाँ की और थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह ली हमने। और उसके बाद बस फिर जो है सेकंड डे जो है मुझे मॉम घर जाना था, दावत थी, और मामा के घर भी जाना था, वहाँ भी दावत थी। तो हम मैंने कहा चलो जी अब फर्स्ट डे गुजर गया है, धोना धुलाना, घर धोना, गोश्त धोना, दावत भी कर दी, सब कुछ कर दिया, अब थोड़ी सी अपनी सेल्फ केयर कर ले। तो अच्छी तरह से खूब फेशियल वगैरह करके, हाथों का मैनीक्योर पेडीक्योर करके, उसके बाद मैंने मेहंदी लगवाई और फिर हम सब अच्छे से रेडी हो गए थे। ये भी तीनों बेटियाँ माशाल्लाह, और ये साथ में मेरी अम्मा जो हैं वो मामा के घर जाके जो है मैंने थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया, थोड़ी सी पिक्चर्स ली, और उसके बाद हम अम्मी घर आ गए थे। और थर्ड डे जो है वो अम्मी घर दावत थी। तो बस ये मुस्तफ़ा जो है वो बैठ के थोड़ी मस्तियाँ करते, मैंने थोड़े से पिक्चर्स जो है वो ले ली, थोड़ी वीडियो क्लिप ऐड कर ली। तो अम्मी के घर आके जो है वो अम्मी के घर आते भी हम ही हैं और खाना भी जो है वो हम ही बनाते हैं। सो हमने कहा क्यों ना हमारी अम्मा को थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए। तो हमने जो है थर्ड डे बिरयानी गोश्त गोश्त खा के हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो मेरी बहना ने जो है वो चिकन तंदूरी बनाया था, साथ में हमने दाल बनाई थी और चावल बनाए थे और शीर खुरमा बनाया था, और हमने बनाई थी बॉयल रोस्ट बनाया था हमने, चिकन मतलब नमकीन गोश्त और मटन कढ़ाई बनाई थी हमने। सो बिरयानी और पुलाव जो है हमने स्किप कर दिया था, मटन कढ़ाई थी, रोस्ट था, नमकीन गोश्त, चिकन तंदूरी बनाया था, दाल बनाई थी, चावल बनाए थे, साथ में शीर खुरमा था, थोड़ा सा जर्दा था। तो काफ़ी मज़ा आया। थर्ड डे भी जो है इसी तरह गुजर गया था। उसके बाद फोर्थ डे जो है मुझे घर आना था, तो मुस्तफ़ा जो है बेसब्री से गैलरी में खड़े होके वो बाबा का इंतज़ार कर रहा था कि कब आए और हम कब जाएं। तो बस इसी तरह से हमारी पूरी जो है वो गुजर गई थी, के तीनों दिन गुजर गए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से। तो आज का ब्लॉग हमारा एंड करते हैं। तो अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप लोग को मेरी वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। ख्याल रखिएगा आप लोग सब अपना, मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।